नमस्कार दोस्तों, पायलास में आपका स्वागत है। मेरा नाम लक्ष्य योगी है। मुझे पायलास की टीम ने आधुनिक भारत और राजनीतिक भारतीय व्यवस्था के लिए नियुक्त किया है। मेरा प्रयास होगा कि मैं आपको एक सामान्य से सामान्य भाषा में आधुनिक भारत और भारतीय राज्य व्यवस्था को समझा सकूं। तो आइए पहले हम जानेंगे आधुनिक भारत के बारे में, क्योंकि अचानक ही कोई राजनीतिक व्यवस्था स्थापित नहीं हो जाती, उसके लिए एक नींव की जरूरत पड़ती है। जैसे एक हमारे मकान बनाने के लिए एक नींव की जरूरत पड़ती है, क्योंकि नींव ही मजबूत नहीं होगी तो मकान कभी फट जाएगा, कभी गिर जाएगा। वैसे ही हमारा राजनीतिक व्यवस्था और आधुनिक जो संविधान है वो अचानक ही नहीं बना, उसके लिए एक नींव की जरूरत पड़ी जो आज तक चल रहा है। क्योंकि हमारे साथ ही अलग हुए पाकिस्तान का संविधान कई बार बदला जा चुका है, क्योंकि उसका जो आधार था वो नींव धार्मिक मुद्दे पर बना था। तो आइए जानते हैं आधुनिक भारत के बारे में। आधुनिक भारत को जानने के लिए सबसे पहले हमें जो यूरोपीय शक्ति थी उनका आगमन भारत में क्यों हुआ उसको जानना जरूरी है, क्योंकि जो यूरोप था, यूरोप में अपने उत्पादन को, अपने खाद्यान्न वस्तुओं को, अपने उत्पादन खाद्यान्न वस्तुओं को सुरक्षित रखने के लिए मसालों की बहुत ही जरूरत पड़ती थी। इसके साथ ही भारत उस समय सोने की चिड़िया कहलाता था, क्योंकि उस समय भारत में मुगल साम्राज्य था जो बहुत ही विकसित और राजनीतिक व्यवस्था से भी बहुत संगठित था। इस कारण यूरोपीय शक्तियों ने भारत की ओर रुख किया। तो आइए जानते हैं सबसे पहले भारत में जैसे यूरोपीय शक्तियों का आगमन हुआ, ठीक है। चौदह में पुर्तगाली व्यापारी पास्को डिगामा समुद्री रास्ते से केरल के वर्तमान हिस्से, इसे कहते वर्तमान हिस्से पुलिकत पहुंचा। यहाँ पर उतरने के बाद उसके यहाँ जो सम्राट थे, जो राजा थे, उन्होंने, उसका नाम था जेमोरियन, उन्होंने उसका भव्य स्वागत किया और अपने राज्य में व्यापार करने की अनुमति दी। जो वास्को डिगामा था, वास्को डिगामा ने यहाँ व्यापार करके पुनः अपने देश लौटा। पुनः अपने देश लौटने के बाद जो व्यापार में उसे मुनाफा हुआ, उस माल को बेचकर वह माल खरीदने 60 गुना ज्यादा हुआ। इसको लालच को देखते ही पूरे यूरोपीय जो देश थे उनमें तहलका मच गया। अरे वास्को डिगामा ने कहाँ से ऐसा माल खरीद के लाया कि खरीदना तो 1 गुना था पर उसकी लागत से जो मुनाफा हुआ वो 60 गुना हो गया। इसी को देखते हुए सारे यूरोपीय देशों में तहलका मचने का, सभी भारत की खोज के लिए निकलने लगे और इसी को देखते हुए बहुत सी कंपनियां भारत की ओर रुख करने लगी। जैसे सबसे पहले वास्को डिगामा पुर्तगाली था, जब पुर्तगाली कंपनियां भारत में आई। उसके बाद भारत में डचों का आगमन हुआ। डचों ने सर्वप्रथम अपनी जो कोठी स्थापित की वो गुजरात के सूरत में की। उसके बाद 1600 में सबसे महत्वपूर्ण कंपनी जिसे हम कह सकते हैं, जिसने पूरे राजनीतिक व्यवस्था को एक सूत्र में बांधने का काम किया और जो भारतीय आर्थिक व्यवस्था थी उससे भी बहुत ही कमजोर कर दी, वह कंपनी थी ईस्ट इंडिया कंपनी। ईस्ट इंडिया कंपनी डचों के बाद आई। ईस्ट इंडिया कंपनी सर्वप्रथम गुजरात में उतरी और उन्होंने अपनी जो कोठी थी वो गुजरात में ना खोलकर बंगाल में मुसलीपट्टनम में स्थापित की। अंग्रेजों के बाद भारत में जो आए वो थे डेनिस। डेनिस के बाद फ्रांसीसी आए, ठीक है, डेनिस और फ्रांसीसिया। इस तरफ भारत में यूरोपीय कंपनियों सर्वप्रथम पुर्तगाल, डच, डेनिस, माफ कीजिए, पुर्तगाल, डच, अंग्रेज, डेनिस और फ्रांसीसिया है। अब ये चारों शक्तियां भारत में आ तो गई, ठीक है। अब जो यूरोप की महाशक्तियां गिनी जाती थी, स्वाभाविक सी बात है कि जब चारों महाशक्तियां जो यूरोप की एक जगह होगी तो उनमें टकराव तो होगा ही, और टकराव किस कारण होगा, वहाँ के व्यापार को हत्याने के लिए, या फिर कह सकते हैं वहाँ की राजनीतिक और आर्थिक व्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था को प्रभावित करने के लिए। क्योंकि जो डच और पुर्तगाल थे वो व्यापार से ज़्यादा अपने धार्मिकता को बढ़ावा देते थे और इसी कारण उन्होंने अपने साथ
एक उत्पाद लेकर आया था, आपको याद होगा, पुर्तगाली तंबाकू लेकर हमारे देश में आए थे। हमारे देश में सर्वप्रथम तंबाकू नहीं था, पुर्तगाली को आगमन के बाद ही हमारे यहाँ तंबाकू आया, और उसके साथ उन्होंने एक आधुनिक चीज प्रिंटर मशीन भी लेकर आए। ठीक, तो इन्हीं कारणों से चारों जो महाशक्तियां थी उनके बीच युद्ध हुआ। युद्ध होने से सभी तो पराजित हो गए, एक बचा था पुर्तगाल, जो गोवा में आज तक कह सकते हैं कि अभी भी है, क्योंकि आज भी जो गोवा की जनसंख्या वो अधिकतर पुर्तगाली ही निवास करते हैं। गोवा में जाकर आपको ऐसा नहीं लगेगा कि हम हमारे ही देश में, क्योंकि वहाँ की जो जनसंख्या है वो आज भी अंग्रेजों टाइप व्यवहार या सांस्कृतिक रहती है। ठीक है, इसके साथ ही आज पुर्तगाली तो है पर वो वर्तमान में गोवा हमारा राज्य। तो इस तरह अंग्रेजों ने पुर्तगालियों को यहाँ से हटाया, युद्धों में हराया, गुजरात से डचों को हराया, कर्नाटक से फ्रांसीसियों को हराया, और बंगाल से, जो बंगाल की व्यवस्था थी पहले, तो वहाँ उन्होंने व्यापारिक व्यवस्था स्थापित की। व्यापारिक व्यवस्था स्थापित करने के साथ ही धीरे धीरे वो वहाँ की राजनीतिक और सामाजिक व्यवस्था थी उसमें भी हस्तक्षेप करने लगे। ठीक है, इसके साथ ही वहाँ का जो नवाब था सिराजुद्दौला से मुगल बादशाह, जो मुगल बादशाह था उस समय वो था मोहम्मद शाह अब्दाली। मोहम्मद शाह बहुत ही उससे परेशान था, बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला से। बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला परेशान होने के लिए, परेशानी से मुक्त होने के लिए उन्होंने अंग्रेजों को बंगाल में अपनी कोठी स्थापित करने की अनुमति तो दे दी। क्यों दे दी? क्योंकि उन्हें पता था कि अंग्रेज एक महाशक्ति है। उन्होंने सूरत में डचों को हरा दिया, कर्नाटक में फ्रांसीसियों को हरा दिया, तो जो मुगल बादशाह था उन्हें पता था कि अंग्रेज जल्द ही नवाब को भी अपने वश में कर लेंगे। पर मुगल बादशाह को यह नहीं अंदाजा था कि एक दिन उन्हीं की जो मुगल बादशाही चल रही है, जो गद्दी चल रही है, वही एक दिन अंग्रेज उसे ही हड़प लेंगे। ठीक, ये किसी ने भी अंदाजा नहीं लगा था उस समय के बादशाहों ने। इस कारण यहाँ पर मुसलपट्टनम में अपनी कोठी स्थापित की। उसके बाद धीरे धीरे राजनीतिक, बंगाल के राजनीतिक और जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें हस्तक्षेप करने लगे, धर्मांतर कराने लगे। इसी कारण देखते हुए बंगाल का जो नवाब था उन्होंने उस पर टैक्स लगा दिया, जिसे जजिया कर कहते। जजिया कर जो गैर कह सकते गैर इस्लामिक थे उन पर जजिया कर लगा दिया, और उसे भी उन्होंने जो वहाँ का बात क्या था, नवाब सिराजुद्दौला जो नवाब था उन्होंने उस भारतीय जो भारतीय थे उन्होंने उस कर से मुक्त रखा, केवल वो कर अंग्रेजों पर ही लगाया। ठीक, क्योंकि अंग्रेजों उन्हें शक हो रहा था कि अंग्रेज गुजरात के जो डचों को जीत कर आए हैं, फ्रांसीसियों को हरा कर कर्नाटक जीत लिया है, कहीं हमारी सत्ता को ना हथिया ले। पर अब बंगाल का जो नवाब था उन्हें भगा भी नहीं सकता था, क्योंकि उन्हें अनुमति किसने दी थी? क्योंकि उन्हें अनुमति दी थी मुगल बादशाह ने। मुगल बादशाह का उस समय क्षेत्र था गुजरात से लेकर जो क्षेत्र है ये मुगल बादशाह के अधीन था, अर्थात मुगल बादशाह का जो क्षेत्र था इतना था, तो मुगल बादशाह ने जो अनुमति दी थी उसे इस कारण उन्हें भगा भी नहीं सकता था। कारण सिराजुद्दौला ने उन पर जजिया कर लागू कर दिया कि आप जजिया कर दीजिए, ताकि जजिया कर वो ना दे पाए तो वो वहां से भाग जाए, स्वतः ही भाग जाए। पर उन्होंने इस जजिया कर को स्वीकार किया, पर उन्हें इस बात को खटकने लगी बहुत ही अपने मन में कि यार कैसे ये हमारे यहाँ जजिया कर अपने ऊपर लागू कर दिया, दूसरे को तो उन्होंने मुक्त कर दिया। पहले तो घोषणा की थी कि इस्लाम गैर इस्लामिक को वो जजिया कर लगेगा, फिर बाद में घोषणा कर दी कि केवल भारतीयों को छोड़कर सभी पर जजिया कर लगेगा। अब उन्हें इस बात से परेशानी होने लगी कि धीरे धीरे ऐसा ना हो कि जो यहाँ का बंगाल का नवाब है वो ऐसा कर दे कि यहाँ से गैर जो भी विदेशी कंपनी वो यहाँ से निकल जाए। ठीक है, तो उन्होंने अब कोशिश करने लगे कि कैसे हम यहाँ पर अपने स्थापित
व्यापार को स्थापित करे, उसके राजनीतिक और आर्थिक हस्तक्षेप करे, इसी को देखते हुए उन्होंने सिराजुद्दौला से युद्ध किया। सिराजुद्दौला के बाद भी और भी मीर जाफर के साथ युद्ध हुआ, मीर कासिम के साथ युद्ध हुआ। इसके युद्धों के बाद उन्होंने, जिसे हम प्लासी का और बक्सर का युद्ध कहते हैं, इन युद्धों के बाद उन बंगाल पर अपना अधिकार कर लिया। बंगाल पर अधिकार करने के बाद, जैसे कि हमने पहले देख लिया है कि गुजरात पर डचों को हराकर उन्होंने अधिकार कर लिया था, कर्नाटक में फ्रांसीसी को हराकर अधिकार कर लिया था, अब उन्होंने बंगाल पर प्लासी का युद्ध और फिर बक्सर का युद्ध करके बंगाल पर भी अधिकार कर लिया। अब उनका जो लालच था वो बढ़ने लगा कि कैसे हम पश्चिमी घाट, जो माफ कीजिए, पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट पर कैसे पूर्णतः अधिकार में लेकर आए। ठीक, तो इसी को देखते उन्होंने बंगाल से रुख किया कैसे हम पूर्वी घाट पर कब्जा करें। बंगाल से रुख करने के बाद उन्हें यहाँ पर जो हैदराबाद का क्षेत्र था, यहाँ निजामों का राज था, उस समय हैदराबाद का शासक था हैदर अली। अब यहाँ से बंगाल और कर्नाटक से आने जाने के लिए उन्हें रहा में पड़ता था हैदराबाद रहा में था। ठीक, अब हैदराबाद जब चाहे जब उन्हें रोक सकता था कि हमारे यहाँ से आप ना जाओ, हमारे यहाँ से कोई माल का लेना देना मत करो, आपकी जो कंपनियाँ हैं वो सैनिक हमारे यहाँ से न गुजरे, तो उन्होंने जो हैदराबाद था वो बहुत ही उनकी आंखों में खटकने लगा कि हम हैदराबाद को भी अपने कब्जे में। इसी को देखते हुए हैदराबाद के जो निजाम था हैदर अली के साथ युद्ध हुआ। तो हैदर अली तो मारा गया, फिर उसके साथ उसका बेटा आया टीपू सुल्तान के बाद साथ युद्ध हुआ, टीपू सुल्तान भी युद्ध में मारा गया। इस तरह अब अंग्रेजों का शासन बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक और इस क्षेत्र पे हो गया। ठीक है, हम देख सकते हैं दक्षिण भारत के इस क्षेत्र पे अधिकार हो गया। अब उन्हें बढ़ने लगे कि अब हमें कर्नाटक से यहाँ तक जाना है स्थल मार्ग से, तो हमें मार्ग में मराठा साम्राज्य पड़ता है। अब मराठा साम्राज्य को भी जितना हमारा जरूरी है, क्योंकि हो सकता है ये हमारे पर आक्रमण कर दे, क्योंकि उस समय जो मराठा शक्ति थी वो बहुत ही उत्कृष्ट और आक्रामक शक्ति थी, उससे टकराने की हिम्मत कोई नहीं कर सकता था। स्वयं मुगल बादशाह ने भी उससे टकराने की जगह उससे संधि करना स्वीकार किया। ठीक है, तो इस तरह अब मराठा साम्राज्य को जितना भी जरूरी था, क्योंकि वह उनके मार्ग में पड़ रहा था, तो उन्होंने फिर मराठाओं के साथ युद्ध किया, मराठा साम्राज्य को जीता। मराठा साम्राज्य को जीतने के बाद वह गुजरात के मार्ग से पंजाब की ओर गए। हम देख सकते हैं यहाँ से बंगाल, हैदराबाद, कर्नाटक से मराठा राज्य, मराठा से गुजरात और गुजरात से पंजाब की ओर बढ़े। पंजाब में उस समय जो आपसी मतभेद चल रहे थे, पंजाब के जो शासक था उनके मध्य आपसी मतभेद चल रहे थे कि हमारा बेटा शासक बने, तो उन्होंने आपसी मतभेद से ही लाभ उठा, क्योंकि उनकी नीति अंग्रेजों की नीति रही है फूट डालो और राज करो, तो उन्होंने फूट डालने का ही काम किया पंजाब में भी। और पंजाब में जो पक्षी और विपक्षी लोग थे उनके मध्य फूट डाली, उनके मध्य युद्ध कराया। युद्ध करने के बाद फिर उन्होंने अपने एक सैनिक टुकड़े वहाँ स्थापित की। सैनिक टुकड़े स्थापित करने के बाद उस क्षेत्र में उन्होंने अपना राजनीतिक हस्तक्षेप से प्रारंभ किया कि आप सैनिक टुकड़ी रख तो रहे हो पर वो हमारे कहने चलेगी, आप युद्ध नहीं कर सकते, क्यों आप युद्ध नहीं कर सकते हमारा जब तक अनुमति प्राप्त ना हो। इस तरह उन्होंने राजनीतिक हस्तक्षेप प्रारंभ किया। धीरे धीरे पंजाब से फिर उन्हें दिल्ली की ओर गए और दिल्ली का पूर्णतः कब्जा कर लिया उन्होंने। और अब हम देख सकते हैं कि दिल्ली, बंगाल, मैसूर, कर्नाटक, मराठा साम्राज्य, गुजरात, पंजाब, ये पूरा क्षेत्र अब अंग्रेजों के कब्जे में आ गया। ठीक, अब बचा जो अवध तो पहले ही इस तरह अंग्रेजों ने पूरे भारत में अपना राजनीतिक अधिकार स्थापित कर लिया। अब हम देखते हैं राजनीतिक जो स्थापित किया उन्होंने अधिकार, अब इससे उन्होंने राजनीतिक अधिकार तो स्थापित किया ही, पर साथ ही बहुत से सामाजिक क्षेत्रों में, बहुत ही आर्थिक क्षेत्रों में भी हस्तक्षेप करने लगे, जैसे जबरन धर्मांतर कराना, धर्म परिवर्तन करवाना। उसके साथ ही जो उनकी जो व्यवस्था थी, जो सामाजिक व्यवस्था थी, उसमें हस्तक्षेप करने लगे।
सबसे बड़े यदि हम देखें तो जो 1857 की क्रांति प्रारंभ हुई थी वो उसका क्षेत्र अवधि रहा था, उसका क्षेत्र अवधि रहा, अवध के क्षेत्र में ही निवास बैरकपुर शादी में सिपाही था, इसका नाम था मंगल पांडे। मंगल पांडे बैरकपुर शादी का ही था, जो बैरकपुर शादी वो अवध और बंगाल की सीमा पर स्थित है। इस क्षेत्र में ही बैरकपुर शादी में ही रह मंगल पांडे सैनिक थे। उन्होंने अपने विरोध प्रकट किया कि आपने चोटी रखने पर पाबंदी लगा दी, तिलक लगाने पर पाबंदी लगा दी। तो और भी और मुख्य कारण था, जैसे कि उसमें कह सकते हैं हम चर्बी वाले कारतूस को जबरदस्ती आपने सैनिकों के उपयोग के लिए दिए, ये मुख्य कारण गिना जाता है उस समय की। हालांकि ये संभावना ही है, आज तक इसका कोई प्रमाण नहीं मिला है कि चर्बी वाले कारतूस का उपयोग उस समय किया गया था। ये एक अफवाह के रूप में फैला था जो 1857 क्रांति का मुख्य अंग बना। मंगल पांडे ने बैरकपुर छावनी में विद्रोह कर दिया पर जो सैनिक का जनरल था, सैनिकों का, उसे की हत्या कर दी और बिगुल प्रारंभ कर दिया क्रांति का। इसके साथ ही बैरकपुर छावनी में विद्रोह हो गया और जिसकी आग धीरे धीरे पूरे अवध क्षेत्र में फैलने लगी। इसे रोकने के लिए बंगाल प्रेसिडेंसी ने मद्रास प्रेसिडेंसी की मदद ली। जो मद्रास जो कर्नाटक का जो क्षेत्र था जिस पर अंग्रेजों ने फ्रांसिस से छीन कर अधिकार किया था, उस कर्नाटक और मैसूर के पूरे क्षेत्र को उस समय उन्होंने नया नाम दिया मद्रास प्रेसिडेंसी। इस मद्रास प्रेसिडेंसी से सैनिक को बुलवाया गया जो बंगाल पहुंची, जिसे पहुंचने में बहुत समय लगा। ठीक है, मद्रास प्रेसिडेंसी को बंगाल प्रेसिडेंसी ने बुलवाया कि यहाँ विद्रोह हो गया है, इसे रोकने जरूरी है, वरना ये सीधे ही पूरे भारत के अधिकार क्षेत्र पर फैल जाएगा और हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। इसी को देखते हुए जो छावनी थी वह बंगाल प्रेसिडेंसी में शामिल हो गई और पूरे बैरकपुर छावनी में विद्रोह को जो था फैला हुआ उसे दबाने के लिए अपना काम करने लगी। पर वो विद्रोह बैरकपुर छावनी से अन्य छावनियों में फैलने लगा, जैसे मेरठ झांसी और उसके साथ ही धीरे धीरे बढ़ता हुआ वह दिल्ली दरबार पहुंच गया। दिल्ली दरबार में उस समय शासन था बहादुर शाह जफर का, जो एक ही बहुत ही वृद्ध शासक हो चुके थे पर वह अपनी बीमार जो हालत थी उनकी, उनके पास इतनी वो स्थिति नहीं थी कि वो इस जो विद्रोह हुआ उसका नेतृत्व कर सके। पर जबरदस्ती जो यहाँ के सैनिक गए थे विद्रोह करते हुए दिल्ली, उन्होंने जबरदस्ती बहादुर शाह जफर को बादशाह भारत का, पूरे अखिल भारत का बादशाह घोषित कर दिया और विद्रोह का नेतृत्व उनके हाथ में देकर फिर से विद्रोह प्रारंभ किया। पर यहाँ से मद्रास प्रेसिडेंसी बंगाल से इस विद्रोह को इधर से दबाती हुई, यहाँ से आक्रमण करती हुई उनके पीछे गई और यहाँ से पंजाब और मराठा साम्राज्य से सैनिकों को बुलवा कर यहाँ से विद्रोह को कुचलने का प्रयास किया गया। मतलब कह सकते हैं हम कि पूर्वी क्षेत्र पश्चिमी क्षेत्र से ही पूरी जो विद्रोह था उसे दबाने का प्रयत्न किया, क्योंकि इससे मद्रास और बंगाल प्रेसिडेंसी पूर्वी क्षेत्र से विद्रोह दबाने लगी और जो दक्षिण क्षेत्र दक्षिण और पश्चिम क्षेत्र से मराठा सैनिकों का मदद लेते हुए और पंजाब के प्रेसिडेंसी की मदद लेते हुए जो विद्रोह था वो दबाने का प्रयत्न किया गया। इसके साथ ही यह विद्रोह दबा दिया गया और आखिरकार इस पूरे क्षेत्र पर जो अवध का क्षेत्र था इसको इस विद्रोह के लिए मुख्य केंद्र माना और इसे जबरदस्ती विलय कर लिया गया। इसके जो अवध का क्षेत्र वो जबरदस्ती विलय हो गया। अब जो इसकी खबर थी वो खबर पहुंची इंग्लैंड में उस समय शासन था महारानी विक्टोरिया का। विक्टोरिया तो आज भी बहुत याद की जाती है, क्यों? क्योंकि महारानी विक्टोरिया ने ही भारत में सर्वप्रथम जो सिक्के थे सोने चांदी के उनका आयात किया था, उन्हें यहाँ पहुँचाया था जो उनकी छाप लगी हुई थी। 1857 के जो विद्रोह था उसकी क्रांति की आग जो खबर थी
वो कहाँ इंग्लैंड पहुंची। इंग्लैंड में उस समय महारानी विक्टोरिया का शासन था। महारानी विक्टोरिया ने घोषणा कर दी कि अब ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में शासन नहीं करेगी और उसका पूरा राजनीतिक हस्तक्षेप सीधे ही इंग्लैंड से प्रशासित किया जाएगा, अर्थात इंग्लैंड से चलेगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के जो गवर्नर है वो बंगाल गवर्नर बना दिया गया, ठीक है। मद्रास प्रेसिडेंसी में अलग गवर्नर हो गया और इन क्षेत्रों में जनरल गवर्नर जो भी थे वो नियुक्त कर दिए गए। पर बंगाल प्रेसिडेंसी उस समय की एक बहुत ही आर्थिक की ताकत बन चुकी थी। क्यों? क्योंकि अंग्रेजों ने उस क्षेत्र में अनेकों व्यापार कोठियाँ की स्थापित किया, बहुत ही व्यापार किया। इस व्यापार को उन्होंने चीन के साथ ले गए, चीन की ओर ले गए, चीन जापान से व्यापार किया। इस कारण बंगाल प्रेसिडेंसी बहुत ही आर्थिक ताकत से मजबूत हो गई थी। इस कारण महारानी विक्टोरिया ने पुनः घोषणा की कि बंगाल का जो गवर्नर है वो गवर्नर जनरल बना दिया जाएगा और गवर्नर जनरल बंगाल का ही नहीं बनेगा बल्कि पूरे भारत का गवर्नर जनरल बना दिया गया। अर्थात जो मद्रास और मुंबई प्रेसिडेंसी थी और जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसका पूर्णतः बंगाल में विलय कर दिया गया और मुंबई और मद्रास की जो प्रेसिडेंसी थी उसके गवर्नर को एक नाम मात्र का शासक दे दिया गया और बंगाल का गवर्नर जनरल पूरे भारत का शासक बन गया, ठीक है। आगे हम देखते हैं किस तरह अंग्रेजों ने अपने अधिकार स्थापित किया। साहब जो पूरी राजनीतिक व्यवस्था थी भारत की वो सीधे इंग्लैंड में महारानी विक्टोरिया के हाथों में चली गई और जो भारत का जो राजनीतिक व्यवस्था थी वो कहाँ से इंग्लैंड से प्रशासित होने लगी या चलाई जाने लगी। और जो ईस्ट इंडिया कंपनी थी वो 1858 के एक्ट के द्वारा ईस्ट इंडिया कंपनी को महारानी ने भंग कर दिया और इसके साथ ही जो राज्य सचिव का पद था, जो सचिव और अन्य गवर्नर पद थे कंपनी के, वो भी समाप्त कर दिए गए और भारत में राजनीतिक व्यवस्था को चलाने के लिए भारत सचिव की नियुक्ति की गई जो सीधे ही लॉर्ड जो वहाँ की सभा है उससे कनेक्ट रहता था या जुड़ा रहता था। इसके साथ अब जो इंग्लैंड की संसद थी, इंग्लैंड की संसद ने इस भारतीय राजव्यवस्था को चलाने के लिए समय समय पर अनेक एक्ट या अधिनियम को पारित किया। इन अधिनियमों को पारित करने का ही प्रमुख कारण रहा जिससे भारतीय संविधान का निर्माण हो सका और जो भारत के जो निवासी थे, जो भारत के कह सकते पढ़े लिखे लोग थे, उनमें जागरूकता उत्पन्न हुई। क्यों? क्योंकि अब वो भी इन एक्टों के माध्यम से विदेश जा सकते थे, मुख्यतः इंग्लैंड जाकर पढ़ाई करने लगे। और भी विश्व में क्रांतियाँ हुई जैसे फ्रांसीसी क्रांति, अमेरिकन क्रांति, उसने भी भारत की जो राजनीतिक व्यवस्था थी और यहाँ के जो निवासी थे उन्हें प्रभावित किया। अरे पहले वहाँ शासन था अंग्रेजों का, वो भी तो आज़ाद हो गए, हम भी आज़ाद हो सकते हैं ना। क्यों? क्योंकि वहाँ भी अंग्रेजों का शासन था। मतलब आप जो भावनाएं बढ़ने लगी कि अंग्रेज एक बड़ी शक्ति नहीं रही है, अंग्रेज जो है वो इस बड़े भूभाग को संभालने में असमर्थ हैं, ठीक है। इसी को देखते हुए अनेक और इसी जो भावनाएं बढ़ने लगी थी उन्हें रोकने के लिए ही इंग्लैंड की संसद ने समय समय पर बहुत से एक्ट पारित किए, अधिनियम पारित किए, ठीक। इसके साथ ही सबसे मुख्य पहलू कह सकते हैं हम, दिल्ली में जो बगावत थी उसे रोकने के लिए या किसी प्रकार से कोई प्रशासनिक व्यवस्था में हस्तक्षेप रोकने के लिए उन्होंने एक प्रेशर बल्ब के रूप में जो था अंग्रेज एओ हूम उसके नेतृत्व में कांग्रेस की स्थापना की, जिसे बाल गंगाधर तिलक ने कहा है कि ये एक प्रेशर को रोकने के लिए प्रेशर बॉल भी है। क्यों? क्योंकि बाल गंगाधर तिलक का मानना था कि अंग्रेजों को पता था कि किस तरह हम जो भारत के लोग हैं उन्हें वश में करें, उन्हें वश में करने के लिए ही उन्होंने कांग्रेस की स्थापना की, बाल गंगाधर तिलक का ये मानना था, ठीक है। तो ए ओ यूम ने 1885 में कांग्रेस की स्थापना की। क्यों? क्योंकि कांग्रेस को जो प्रशासन में जो करने वाले थे
वो सभी क्या थे, अंग्रेजों के हिमायती थे। मतलब अंग्रेजी व्यवस्था को वह बहुत ही अच्छा मानते थे, उनका मानना था कि अंग्रेजी व्यवस्था ही हमारे देश में रहनी चाहिए, वो भारत को स्वतंत्रता न दिलाकर उन्हें स्वायत्तता दिलाना चाहते थे। उनका मानना था कि हमें भी अधिकार मिले ना कि स्वतंत्रता मिले। पर एओ ह्यूम के द्वारा जो स्थापित कांग्रेस थी उसमें भी फिर आगे चलकर दो धड़ों में बढ़ गई या दो भागों में विभाजित हो गई, एक था गर्म दल एक था नरम दल। जो नरम दल थे उसमें हम कह सकते दादा भाई नरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले और भी नेता थे, और जो गर्म दल था उसमें बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय, बिपिन चंद्र पाल, जिसे बाल लाल और पाल भी कहा जाता है। इस तरह नरम दल और गर्म दल, नरम दल और गर्म दल में विभाजित हुई कांग्रेस। ठीक है, नरम दल का नेतृत्व कर रहे थे दादा भाई नरोजी, नरोजी गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले। और जो गर्म दल था इसका नेतृत्व कर रहे थे, जिसे हम शॉर्ट में कहते हैं बाल लाल और पाल, बाल गंगाधर तिलक, लाला लाजपत राय और बिपिन चंद्र पाल, यह गर्म दल का नेतृत्व करते थे, अर्थात उग्रवादी या हिंसावादी थे। इसी के देखते ही कांग्रेस दो धड़ों में विभाजित हो गई। इसका फिर से एकीकरण महात्मा गांधी के बाद, या कह सकते हैं कि महात्मा गांधी के आने से जो नरम दल था गर्म दल था उसमें थोड़ी सी कड़वाहट को दूर किया। इसके साथ ही 1915 में महात्मा गांधी का आगमन हो जाता है, महात्मा गांधी का आगमन 1915 में हो जाता है। दो वर्ष तक महात्मा गांधी भारत का भ्रमण करते हैं, दो वर्ष तक महात्मा गांधी भारत भ्रमण करते हैं। 1917 में वो सर्वप्रथम चंपारण आंदोलन का या चंपारण आंदोलन का नेतृत्व करते हैं, और ये कह सकते हैं स्पष्ट या प्रत्यक्ष रूप से भारत की राजनीति में प्रवेश कर लेते हैं। पर हम कह सकते हैं कि जो महात्मा गांधी थे वो भी गर्म दल का समर्थन नहीं करते थे, वो भी किसका, नरम दल का समर्थन करते थे। क्योंकि जो नरम दल के नेता थे गोपाल कृष्ण गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। उनका मानना था कि गोपाल कृष्ण गोखले जो नीति अपना रहे हैं स्वायत्तता की वह सही है, और जो बाल गंगाधर तिलक है उनकी नीति सही नहीं है। उनका मानना था किसी भी चीज को हिंसा से प्राप्त करने की जगह उसका अहिंसा या आंदोलन करना इसके द्वारा प्राप्त की जानी चाहिए। इसके साथ ही आगे चलकर जो राजनीतिक व्यवस्था थी भारत की वह बहुत ही भागों में विभाजित हुई। प्रभाव 15 में महात्मा गांधी का आगमन हुआ, दो वर्ष तक उन्होंने भारत की यात्रा की, भारत की व्यवस्था समझा, यहाँ के लोगों को समझा, और इस यात्रा के दौरान उन्होंने अपने जो कोट टाई थे उन्हें त्याग कर एक धोती और एक कपड़ा पहनना शुरू किया। इसके साथ ही सर्वप्रथम उन्होंने 1917 में चंपारण आंदोलन किया। चंपारण वर्तमान में बिहार में स्थित है, आपको ज्ञात होगा पिछले ही साल 2017 में इसका 100वां वर्ष शताब्दी मनाई गई, जो बिहार में स्थित है, बिहार वर्तमान में यहाँ है। ठीक है, 1918 में महात्मा गांधी ने दो आंदोलन किए, एक था खेड़ा सत्याग्रह, 1918 में एक था खेड़ा सत्याग्रह, और दूसरा 1918 में किया गया था एक था जिसे हम कहते हैं अहमदाबाद मिल सत्याग्रह। अहमदाबाद मिल सत्याग्रह 1918 में किया गया। अहमदाबाद जो मिल थी वो अंग्रेज द्वारा शासित थी, पर वहाँ जो भारतीय मजदूर थे उन्हें बोनस और मजदूरी नहीं दी जाती थी, या कैसे बेगारी की जाती थी इस तरह। तो उन्होंने जो भारतीय मजदूर थे उन्हें अपना अधिकार दिलाने के लिए और उन्हें बोनस दिलाने के लिए अहमदाबाद में सत्याग्रह किया। जो सत्याग्रह लगभग उस समय 30 दिनों तक चला था, और उसके बाद अहमदाबाद मिल के जो डायरेक्टर थे निदेशक थे उन्होंने इस मांग को स्वीकार किया और ये आंदोलन समाप्त हुआ। इसके बाद कांग्रेस का समय समय पर अनेक जो एक्ट थे वो पारित होते रहे,
उसके बाद एक्ट को पारित होने से भारत की जो व्यवस्था थी उसको प्रभावित करते रहे और जो अपनी मांग थी वो इंग्लैंड से मनवाते रहे कि हमारी ये मांगे हैं उन्हें पूरी की जाए वरना हम सत्याग्रह करेंगे, हम आंदोलन करेंगे। इस तरह इंग्लैंड ने उनकी बहुत सी मांगों को अपनाया भी, स्वीकार भी किया इसके, और अन्य मांगों के लिए उन्होंने बहुत सी कमेटियाँ गठित की। उनके बारे में हम आगे देखते हैं, थोड़ा सा विचार करते हैं। 1920 में कांग्रेस के दो अधिवेशन होते हैं, एक था कलकत्ता अधिवेशन और दूसरा था नागपुर अधिवेशन, दोनों ही 1920 में होते हैं, ठीक है। कलकत्ता और नागपुर अधिवेशन, कलकत्ता नागपुर अधिवेशन में ही महात्मा गांधी सर्वप्रथम कांग्रेस के सत्र में भाग लेते हैं और उसकी राजनीतिक व्यवस्था को समझने का प्रयास करते हैं। इसमें जो खामियां होती है उन्हें दूर करने की कोशिश करते हैं, क्योंकि उस समय जैसे हमने पहले देखा है कांग्रेस गर्म धर्म में विभाजित थी, बहुत से नेता संगठित तो हो गए पर फिर भी कांग्रेस का विरोध करते थे कि वह हिमायती बन रही है अंग्रेजों की। इसको देखते हुए जो गांधी थे उन्होंने कांग्रेस का जो राजनीतिक व्यवस्था थी, जो प्रशासनिक उसकी व्यवस्था फैली हुई थी, उसका अध्ययन किया, उसे समझने का प्रयास किया और उसको देखते ही गांधी जी ने एक आंदोलन की घोषणा कर दी, ठीक है। 1920 में ही एक सत्याग्रह आंदोलन की घोषणा कर दी, जिसे गांधी जी को भारत का सर्वव्यापी आंदोलन था, जिसे गांधी जी का प्रथम भारत में पूर्णतः सर्वव्यापी आंदोलन कहा जा सकता है। यह आंदोलन पंजाब में स्थित एक स्थान है चोराचोरी, तो चोराचोरी कांड के बाद यह आंदोलन स्थगित कर दिया गया, ठीक। कांग्रेस की इस प्रशासनिक व्यवस्था से निपटने के लिए जो आंदोलन हो रहे थे, जो उनकी मांगे थी, उसे निपटने के लिए अंग्रेजों ने समय समय पर अनेक एक्ट पारित किए, जिसमें हम 1909 का एक था भारत शासन अधिनियम, जिसे हम मार्ले मिंटो भी कहते हैं, मार्ले मिंटो सुधार किया गया। मार्ले मिंटो सुधार में अंग्रेज की जो संसद थी इंग्लैंड, उसने अधिनियम पारित किया। उस अधिनियम को पारित करके उन्होंने मुसलमानों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था को अपनाया, क्योंकि जो मुस्लिम समुदाय था वह अपने आप को जागरूक महसूस करने लगा था, जिसमें कह सकते हैं उस समय थे मोहम्मद अली जिन्ना ने मुसलमानों को संगठित किया और अलग ही राष्ट्र की मांग करने लगे। 1907 में उन्होंने मुस्लिम लीग का निर्माण कर लिया, तो इस कारण अंग्रेजों ने 1909 में मुस्लिमों के लिए अलग से निर्वाचन व्यवस्था प्रारंभ कर दी। उसके बाद 1919 में उन्होंने लेकर आए दूसरा भारत शासन अधिनियम, जिसे हम कहते हैं मॉन्टेस्क्यू चेम्सफोर्ड सुधार अधिनियम ने भारत को द्विसदनात्मक व्यवस्था में विभाजित कर दिया था। केंद्र की व्यवस्था अलग होगी और राज्यों की जो मुख्य व्यवस्था थी वो अलग होगी। इसके साथ ही जो कांग्रेस के सदस्य थे उन्हें चुनौती दी
कि आप अपना अलग से एक संविधान बनाकर बताइए। 1928 में मोतीलाल नेहरू ने एक अलग संविधान या कह सकते हैं अलग प्रारूप का निर्माण किया, जिसकी अन्य सदस्य थे सुभाष चंद्र बोस और तेज बहादुर शकरू। इसके अन्य सदस्य थे मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे मोतीलाल नेहरू, इसके अध्यक्ष थे। इन्होंने अपना एक प्रारूप तैयार किया जिसे 1928 में प्रस्तुत किया और इसे नेहरू रिपोर्ट कहा जाता है। इस नेहरू रिपोर्ट में उन्होंने संविधान का सर्वप्रथम उल्लेख किया, जो आगे चलकर कह सकते हैं हमारे संविधान का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बना। इसके बाद समय समय पर अनेक एक्ट पारित किए गए, जिसमें सबसे महत्वपूर्ण एक्ट कह सकते हैं 1935 का भारत शासन अधिनियम। यह आया 1935 में। भारत शासन अधिनियम की बहुत सी धाराएं तो लागू नहीं हो सकी, पर हम कह सकते हैं वर्तमान जो हमारा संविधान है वो किसी ना किसी रूप से इससे प्रत्यक्ष रूप से अप्रत्यक्ष रूप से प्रभावित है। ठीक है, 1940 में भारत में संविधान अलग से निर्माण की मांग उठने लगी। 1940 में भारत का अलग संविधान की मांग उठने लगी। इसे देखते ही भारत में अलग संविधान की मांग उठने लगी कि हमारा अलग संविधान हो। इसको देखते ही जो इंग्लैंड की संसद ने उन्होंने मिस्टर क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। मिस्टर क्रिप्स की अध्यक्षता में एक मिशन भारत भेजा, जिसे क्रिप्स मिशन कहा जाता है। इस क्रिप्स मिशन ने भारत में एक नए संविधान की मांग को स्वीकार किया। पर क्रिप्स मिशन के सामने ये बहुत बड़ी चुनौती थी, क्योंकि उस समय जो मोहम्मद अली जिन्ना थे वो मांग करने लगे थे कि हमारा अलग से एक संविधान हो। मोहम्मद अली जिन्ना ने मांग करने लगे हमारा अलग से संविधान हो, हमारा अलग देश हो। इसी को देखते हुए क्रिप्स ने, जो मिस्टर क्रिप्स थे, उन्होंने भारतीय संविधान की मांग को स्वीकार किया, पर अलग पाकिस्तान की मांग को स्वीकार नहीं किया, ना ही अलग से क्रिप्स जो पाकिस्तान संविधान था उसे स्वीकार किया। क्रिप्स मिशन ने इस बात को नहीं स्वीकार किया। इसके कारण भारत में अनेक सांप्रदायिक दंगे बढ़ने लगे, हिंदू मुस्लिम आपसी विवाद बढ़ने लगा, आपसी मतभेद बढ़ने लगे। कोई कहने लगा ये हमारे देश के नहीं, बाहर निकालो। जो मुस्लिम समुदाय था उन्हें मारपीट करने लगे, तो कहीं जहाँ हिंदू अल्पसंख्यक थे वहाँ उन पर मारपीट करने लगे। इस तरह दंगे बढ़ने लगे, और इसे देखते ही कैबिनेट मिशन भारत आया 1946 में। कैबिनेट मिशन ने यह संतुष्टि लागू की, या फिर यह मांग लागू की कि भारत के दो हिस्से होंगे। पूर्वी जो पश्चिमी भाग होगा वह पाकिस्तान का होगा, इसके साथ ही थोड़ा सा भाग यहाँ से जो बांग्लादेश कहलाता वर्तमान में वो भी पाकिस्तान का होगा। इस संतुष्टि को लागू करने के साथ ही भारत में दंगों का जो इतिहास रहा है वह कहीं ना कहीं से रुका नहीं, और तो और बढ़ने लगा। क्योंकि जो भारतीय समुदाय थे वो मानने लगे भारत के हिस्से नहीं होना चाहिए, भारत का जो पाकिस्तान हिस्सा वो नहीं होना चाहिए, किसी भी रूप में भारत अखंड होना चाहिए। तो ये मांग, ये दंगे तो हिंसा थी वो बढ़ने लगी। इसे देखते ही गांधी जी ने बंगाल की यात्रा की और पाकिस्तान के लिए आर्थिक सहायता देने की मांग लेकर आंदोलन करने लगे, जिससे जो यहाँ के प्रशासक थे, जो व्यवस्था को स्थापित करने वाले थे, उनमें मतभेद हो गया कि गांधी जी कैसे मांग करने लगे पाकिस्तान की, यहाँ तो हमारी खुद ही जनता हिंसा से ग्रस्त है। तो इसी कारण 1948 में गांधी जी की हत्या कर दी जाती है।
गांधी जी की हत्या करने के बाद जो उनकी हत्यारे थे उन्हें फांसी की सजा दी गई और 1949 में संविधान सभा की स्थापना की गई। संविधान सभा ने भारत के लिए एक नया संविधान का निर्माण किया जिसका घोषणा 1950 में 26 जनवरी दिन लागू कर दिया गया और जो पूर्णतः रूप में 1951 में लागू हुआ। इसी के साथ हमारा जो आधुनिक भारत है वो एक स्टोरी वाइज समाप्त होता है। कल से जो हमारा टॉपिक स्टार्ट होगा वो जो आधुनिक भारत है, जो भारत में राजनीतिक व्यवस्था थी अंग्रेजों की और जो 1857 के बाद जो राजनीतिक व्यवस्था रही उस राजनीतिक व्यवस्था को हम पूर्णतः डिटेल्स में समझेंगे कि किस तरह भारत में अंग्रेजों का आगमन हुआ, किस तरह अंग्रेजों ने भारत प्रशासनिक व्यवस्था को प्रभावित किया और किस तरह 1885 में सेफ्टी वॉल्व के रूप में कांग्रेस की स्थापना होती है और कांग्रेस किस तरह दो धड़ों में विभाजित होती है और कांग्रेस को जो उसका नियंत्रण करने के लिए इंग्लैंड संसद ने किस तरह अनेक प्रकार के प्रावधान लागू किए, इन सभी को हम समझेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में जो पूर्णतः अलग अलग विवरण के रूप में प्रस्तुत किया जाएगा। इसके साथ धन्यवाद।